हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम देखेंगे जो हमारा रेडमी या फिर ओप्पो के फ़ोन में या फिर वीवो के फ़ोन में या फिर किसी भी फ़ोन में अगर मीडियाटेक प्रोसेसर का यूज़ किया गया है और उसमें एमटीके की पावर आईसी लगी हुई है, तो जैसा प्रोसेसर वैसा ही पावर आईसी भी होता है। अगर क्वालकॉम का प्रोसेसर है तो क्वालकॉम की पावर आईसी, मीडियाटेक का प्रोसेसर है तो मीडियाटेक की पावर आईसी, एक्साइनस है तो उसके खुद के सीरीज़ होते हैं, स्पेक्ट्रम है तो स्पेक्ट्रम की, एच आई सीरीज है तो एच आई सीरीज़ की। तो आपको अलग अलग फ़ोन के साथ उसका सेटअप मिलता है। तो एमटीके में भी एक ऐसा फ़ोन है जो आपका उसमें पावर बनते हैं, एमटीके की आईसी यूज़ होती है। तो उसमें कुछ एक पावर के बारे में मैं बताने वाला हूँ आज। जैसे VS2 सप्लाई VS1 के बाद बनती है। VS2 सप्लाई कब बनती है? VS1 के बाद। VS1 को हम बेसिकली क्या बोलते हैं, हम लोग अपने लैंग्वेज में इसको हायर LDO बोलते हैं, क्योंकि ये 2 वोल्ट की सप्लाई बनाती है और इसी में से टूटकर 1.8 वोल्टेज का बनना होता है। 2 वोल्ट में से ही 1.8 वोल्ट टूटकर निकलती है आईसी के विरेगुलेटेड 2 सेक्शन से। तो ये सारी चीज़ें तो हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखी है। दूसरी चीज़, ये VS2 कैसे बनती है? तो VS2 भी एक क्वाइल पावर है जो कि एक क्वाइल पर जनरेट होती है और वो PM से जुड़ी होती है। तो यहाँ पे फिलहाल में PM जो हमारा मेन पावर आईसी है उसके अंदर VS2 नहीं बनेगी, जो लोअर LDO बोलते हैं इसको। ये VS2 हमारी 1.4 वोल्टेज की सप्लाई होती है, यहाँ पे लिखा हुआ। तो ये वोल्टेज हमारी जो है मैक्सिमम क्वालकॉम के PM में तो बनती है, लेकिन MTK में ये बाहर एक छोटी सी यहाँ पे जो 8 पिन की IC नज़र आ रही है इसमें बनती है। ऐसी 6 पिन की भी ये IC होती है, तो जैसा 6 पिन वैसा भी 8 पिन का भी काम है, सेम टू सेम। बस इसको बाईपास करना सीखेंगे और इसे कैसे ये काम करता है वो भी सीखने वाले हैं। तो VPH पावर यहाँ पे एंट्री करती है, जो VPH पावर हमारा चार्जिंग IC से बनती है वो वाली पावर है वी सिस्टम। और यहाँ पे जो VS1 PMU नोट कर रहा है, यहाँ पे पिन नंबर 1 पे इनेबल है इसका, तो VS1 बनेगा, यानी कि हमारा हायर LDO पहले बनेगा। तो वही VS1 पावर IC से बन के आके इस IC को क्या करेगी, इनेबल करेगी। तो ये इनेबल होते ही इसके LX पिन यानी जो स्विच पिन है वहाँ से इसकी क्वाइल पर हमारी लोअर LDO जनरेट हो जाती है। ये लोअर LDO हमारा यहाँ पे बनता है और ये लोअर LDO दोबारा से बन के हमारा जो मेन PM है ना, MTK का PM, उसी के अंदर चला जाता है। तो ये हमारा VS2 जो बना है लोअर LDO, इस पर एक डिवाइडर सर्किट यूज़ किया जाता है। इसकी वैल्यू यहाँ पे मेंशन की हुई है और इस वैल्यू से डिवाइडर सर्किट को डिवाइड वोल्टेज को डिवाइड करके फीडबैक के रूप में यहाँ पे एक वोल्टेज आती है छोटी सी, 0.4 वोल्टेज के अप्रॉक्स। और ये जो पूरी पूरी वोल्टेज बनी है VS2, ये डायरेक्टली इसके अंदर भी यहाँ पे वी आउट वाले पिन पे फीडबैक के रूप में कनेक्टेड होती है। तो यहाँ पे 2 फीडबैक होता है, एक डिवाइडर से और एक डायरेक्ट, दोनों मिस नहीं होने चाहिए। अगर दोनों में से कोई भी फीडबैक मिस होता है या रजिस्टर की ग्राउंड भी कटती है, रजिस्टर में कोई भी प्रॉब्लम आता है, आपकी VS2 बननी बंद हो जाएगी और फ़ोन आपका डेड हो जाएगा। तो आपको कुछ भी इसमें माथा पच्ची नहीं करना है, आपको सिंपली इस IC को बाईपास कर देना है और आपका फ़ोन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, फ़ोन चलता रहेगा। तो आपको करना क्या है, कोई भी प्रॉब्लम दिखे, अगर इस वोल्टेज को ना बनते हुए दिखे, तो आपको इस IC को बाईपास करना है सीधा। इस IC को बिना भी काम चल सकता है बोर्ड में, तो आपको इस IC को किस तरह से बाईपास करना है देखो। सीधा आप IC को रिमूव करो तो आपको 8 पिन नज़र आएंगे। ये इस IC की पावर गुड है जो इसी TP पर बनती है, कहीं जाती नहीं है, बस यहीं पे बनती रहती है। तो पावर गुड भी नहीं बन रहा होगा क्योंकि इसकी आउटपुट जनरेट नहीं हो रही है। तो इस IC को निकालो और इसकी जो पिन नंबर 1 है, जो इसकी इनेबल पिन है जिसपे 2 वोल्ट की LDO आ रही है, वहाँ से एक जम्पर उठा के पिन नंबर 6 पे ऐड कर दो, यानी कि क्वाइल पर ऐड कर दो। मेरे कहने का मतलब है कि क्वाइल पर ऐड कर दो, बस ऐसा एक जम्पर लगा दो और IC को हटा दो आपकी IC हो जाएगी बाईपास और आपका जो VS1 है वही VS2 के जगह पर आ जाएगा। VS1 जो है वोल्टेज, S1 वाली जो है वो S2 के जगह पे आ जाएगा, यानी कि हायर LDO और लोअर LDO की वोल्टेज लेवल सेम हो जाएंगे बोर्ड में, लेकिन फिर भी फ़ोन आपका रनिंग कंडीशन में होगा, कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दोनों LDOs में करंट का लेवल लगभग सही बराबर होता है, लेकिन वोल्टेज में 0.6 का डिफरेंस होता है। 0.6 नहीं, इसको अगर टेक्निकली बोला जाए ना, तो ये आपका 0.54 का डिफरेंस होता है वोल्टेज में, और करंट लगभग सेम होता है एकदम एग्जैक्ट। इस वजह से ये रिप्लेस हो सकते हैं इजिली और इतनी कम वोल्टेज चेंज में प्रॉब्लम नहीं आती है और आपका सर्किट जो है डैमेज भी नहीं होगा और ये IC बाईपास हो जाएगी। बस इस IC को रिमूव कर दो, अगर ये वोल्टेज नहीं बननी है इस कैपेसिटर पे, तो आप ये IC को रिमूव करके बाईपास कर सकते हो, आपका VS1 PMU बन रहा होगा तब। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया कैसे बाईपास करना है। सभी MTK में ये IC होती ही होती है।
और मैं बता दूं कुछ इन्फिनिक्स के मॉडल हैं, ठीक है, और कुछ टेक्नो के मॉडल हैं जिनमें ये आईसी ऑलरेडी नहीं है, इसी प्रकार से बाईपास किया हुआ है, कंपनी ने इसको बाईपास किया हुआ है इसी प्रकार से, तो ये सॉल्यूशन वहीं से जनरेट किया गया है उसी सर्किट को देख के, क्योंकि वहाँ पे जब हो सकता है तो यहाँ पर भी पॉसिबल है और होता है और हो भी रहा है, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। अगर आप चाहते हो मोबाइल रिपेयरिंग का कोर्स करना तो आप हमसे जुड़ सकते हो, ऑनलाइन में भी और ऑफलाइन में भी। ऑफलाइन की बैचेस जो है स्टार्ट होने वाली हैं 10 दिसंबर से, आप सीट की बुकिंग कर लो, 10 दिसंबर से ऑफलाइन बैच स्टार्ट हो रहा है, सीट काफ़ी कम है हमारे पास। अगर आप इंटरेस्टेड हो, आपको कोर्स करना है एडवांस लेवल पे, डीप में सर्किट को समझना है, एक एक पिन इन्फॉर्मेशन मैं देता हूँ, तो आप ऑफलाइन की कोर्स भी कर सकते हो, ऑनलाइन की कोर्स भी कर सकते हो, ऑनलाइन की भी सीट बुकिंग चल रही है, ऑफलाइन की भी सीट बुकिंग चल रही है। अगर आप चाहते हो लैपटॉप रिपेयरिंग का कोर्स करना, तो 20 दिसंबर से जो न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है लैपटॉप रिपेयरिंग का, उसकी भी सीट बुकिंग चल रही है, उसकी भी सीट बुकिंग आप कर सकते हो। या फिर अगर आप चाहते हो मोबाइल रिपेयरिंग करवाना या लैपटॉप रिपेयरिंग करवाना, तो आप हमारे पास व्हाट्सअप के नंबर पर कॉन्टैक्ट करके, जो डिस्क्रिप्शन में दिया गया नंबर है उस पर कॉन्टैक्ट करके आप कोरियर कर सकते हो हमें, और आपका जो फ़ोन होगा या फिर आपका जो लैपटॉप होगा उसको रिपेयर करके आपको रिटर्न किया जाएगा। तो आपको रिपेयरिंग भी करवाने में आपको मैं हेल्प करूँगा, मगर आपको अगर आपको रिपेयरिंग करने के लिए भेजना है तो आप करो, भेजो। अगर आपको लैपटॉप रिपेयरिंग सीखना है आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो हमसे, अगर आपको मोबाइल रिपेयरिंग सीखना है कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो दोनों माध्यम से आपको जो है मैं ट्रेनिंग देता हूँ। तो मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।